पीटीएम सरबरा मौलाना फजल रहमान अरबों की जायदाद के मालिक निकले। डेरा इस्माइल खान में दो घर एक प्लॉट, एफएट इस्लामाबाद में एक बंगला, दुबई में फ्लैट, कराची, पेशावर और कोयटा में कई दुकानें हैं। शोरकोट में एक घर, मदरसा, 5 एकड़ जमीन और 25 लाख की कमर्शियल अराजी मौलाना की हैं। दस्तावेजात के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने हाल ही में चक शहजाद में 3 अरब की जमीन खरीदी, 47 लाख रुपए की कमर्शियल अराजी इसके अलावा है। मौलाना के फ्रंट मैन के नाम पर भी प्रॉपर्टीज हैं। सारा टपर चोर है, टोल टपर कर शेर शख्सियत, दो तनख्वाहें। मौलाना अताउर रहमान का काम पीआईए मस्जिद के इमाम और मौजिन की तरबियत करना है। इसके अलावा शोबा इस्लामी के इंचार्ज भी हैं और पेश इमाम भी। पेश इमाम की तनख्वाह भी मौलाना अताउर रहमान वसूल करते हैं। ये करप्शन कहानी है पीआईए के शोबा इस्लामी के हेडक्वार्टर की। दौरान इम्तहान ये भी इंकशाफ हुआ कि वो हाफिज कुरान नहीं, मगर फिर भी हर साल वो तरावी पढ़ाने अमरीका और मौजन कोलम्बो चले जाते हैं। सारा टपर चोर है। मौलाना फजल रहमान के भाई जियाउर रहमान नैब ऑफिस पेशावर में पेश हो गए। आमदन से ज्यादा असासे, गैर कानूनी भर्तियां और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल। नैब ने जियाउर रहमान को दूसरी बार तलब किया है। सारा टपर चोर है। नैब पेशावर ने मौलाना फजल रहमान के दामाद फयाज अली को करप्शन की तहकीकात, ज़राए आमदन और एहसासों की तफसीलात समेत पेश होने की हिदायत की गई है। खुदा का खौफ करो, कोई हया भी होती है, कोई शर्म भी होती है।